माया अपनी माँ के साथ अकेले रहती थी। उसके कुछ ही दिनों बाद राघव नाम के एक लड़के से शादी होने वाली थी। एक दिन शादी से पहले माया राघव से मिलती है और बोलती है, राघव जी, मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी माँ हमारे साथ रहे। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, वैसे भी मेरे माता पिता नहीं हैं। तुम्हारी माँ हमारे साथ रहेगी तो माँ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। ये सुनकर माया को बहुत खुशी होती है। शादी के बाद माया अपनी माँ को लेकर राघव के घर जाती है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। शादी के एक साल बाद ही माया को एक बेटी होती है। माया अपनी बेटी का नाम आसना रखती है। राघव अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था और उसके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए दुगनी मेहनत करने लगता है। लेकिन तभी अचानक आसना जब 5 महीने की हुई तभी सड़क दुर्घटना में राघव की मौत हो जाती है। माया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था और उसे सारे भविष्य के सपने बिखरते हुए नजर आने लगे थे। लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। माया एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे एक ऑफिस में काम मिल जाता है। माया के ऑफिस में गौरव नाम का एक लड़का काम करता था। गौरव को माया बहुत पसंद थी। धीरे धीरे गौरव और माया में बातें होने लगती है और दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह सब कुछ चल रहा था तभी एक दिन माया को ऑफिस में काम करते करते बहुत देर हो जाती है और बाकी सब ऑफिस से जा चुके थे। माया घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकलती है लेकिन तभी वो देखती है कि गौरव अपनी गाड़ी लेकर वहीं खड़ा है। अरे, तुम अभी तक घर नहीं गए? इतना वक्त हो गया है, तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता था? तुम मेरे लिए इतनी देर से खड़े हो। और नहीं तो क्या, अब चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद गौरव माया को उसके घर छोड़ देता है। गौरव जब माया को घर छोड़ने आया था तो माया की माँ उसे देख लेती है। माया जैसे ही घर के अंदर जाती है उसकी माँ उससे कहती है, बेटी कब तक अकेली रहेगी? अभी तो इतनी बड़ी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, मेरी भी उम्र हो गई है, फिर तो अकेली खुद को और अपनी बेटी को कैसे संभालेगी? मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। कैसी बातें कर रही हो माँ, मेरी शादी पहले हो चुकी थी और मेरी एक बेटी भी है, ऐसे में कौन करेगा मुझसे शादी? अभी जो लड़का तुझे छोड़ने आया था मुझे बहुत भला लगा, तो उससे शादी की बात करना। आप कुछ भी बोले जा रही हो, खाना लगा देती हूँ, खाना खा लो, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन माया ऑफिस जाती है लेकिन रात की बातों से उसका मन उदास था। माया को उदास देखकर गौरव बोलता है, क्या हुआ माया, उदास लग रही हो, कुछ बात है तो मुझे बताओ। पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया है, कल रात को मुझसे बोल रही थी कि दूसरी शादी कर लो, तुम मुझे घर क्या छोड़ने आ गए? लगता है मेरी माँ को तुम पसंद आ गए, मुझसे बोल रही थी तुमसे शादी की बात करने के लिए। तो इसमें क्या गलत है, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी तुम मुझे बहुत पसंद हो। अभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे पति की कुछ वक्त पहले मौत हुई थी और तुम्हारी एक बेटी भी है, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। माया थोड़ी देर सोचती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। अगले महीने दोनों शादी कर लेते हैं। इस शादी से माया और उसकी माँ बहुत खुश थी लेकिन गौरव की माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। गौरव की माँ माया को अपनी माँ को लेकर अपने घर नहीं आने देती है, इसलिए माया अपनी माँ के साथ अपने पहले वाले घर में ही रहती थी। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद गौरव अपनी माँ से कहता है, माँ मैं सोच रहा था कि मैं माया के साथ उसके घर पर रहूं। माया की माँ भी अक्सर बीमार रहती है, उन्हें मेरी जरूरत है, मेरे वहाँ रहने से उन्हें सहारा मिलेगा। लड़की तक तो ठीक थी लेकिन पहले उसकी माँ और उसकी बेटी, यहाँ तक कि अब तुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अपनी बीवी को बोल, लड़कियाँ शादी के बाद ससुराल जाती है तो वो यहाँ आए। तुझे भी पूरी दुनिया में एक यही विधवा मिली थी शादी करने के लिए, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ लाद दी है उसने तुझ पर। बेटी तो बेटी, इसकी माँ का ध्यान भी तुझे ही रखना पड़ेगा। माँ आपको सच में कोई नहीं समझा सकता है, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं वही रहूँगा। तुझे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं है क्या? माँ भैया भाभी है ना आपके साथ, और आप परेशान मत हो, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा।
इतना बोलकर गौरव माया के घर चला जाता है। कभी कभी गौरव अपनी माँ से मिलने अपने घर भी आ जाया करता था। जब भी गौरव अपनी माँ से मिलने आता था तो उसकी माँ उसे माया के बारे में बहुत उल्टा सीधा पाठ पढ़ाती थी। शुरू शुरू में गौरव आसना को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कुछ दिनों में ही अपनी माँ के बहकावे में आ जाता है। एक दिन गौरव अपनी माँ से मिलकर घर जाता है। आ गए आप, ये देखिए ना, आसना बहुत देर से रो रही है। अब आप आ गई हो ना, ये रोना बंद कर देगी। ये लीजिए, इसे अपने साथ खिलाइए, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। माया अपनी बेटी को गौरव के गोद में रखकर खुद किचन में खाना बनाने चली जाती है। गौरव अपने मन में सोचता है, किस जंजाल में फंस गया मैं। सही तो कहती है माँ, मजे करने की उम्र में एक बच्ची का बाप बन गया हूँ। उस दिन के बाद से गौरव माया की बेटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और अपने कामों में लगा रहता था। इसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं और आसना बड़ी हो जाती है। माया की माँ का देहांत हो चुका था। अब गौरव को माया की बेटी पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो हर छोटी छोटी बात पर आसना को डांट दिया करता था। एक दिन आसना स्कूल से घर आती है। उसने ड्राइंग कॉपी में अपना, अपनी माँ का और गौरव का ड्राइंग बनाया था। आसना माया को अपनी ड्राइंग दिखाती है। देखो मम्मी, मैंने अपनी, आपकी और पापा की एक अच्छी ड्राइंग बनाई है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। जाओ अपने पापा को भी दिखा दो। गौरव उस समय अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा होता है और तभी आसना वहाँ अपनी ड्राइंग लेकर पहुँच जाती है। पापा देखो, मैंने हमारी ड्राइंग बनाई है। जा यहाँ से, दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ आपको ड्राइंग दिखाने आई थी। जा यहाँ से वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा, बढ़िया ही ड्राइंग दिखाने वाली। आसना रोते हुए अपनी माँ के पास चली जाती है। मम्मी, मैं तो बस पापा को ड्राइंग दिखाने गई थी और पापा ने मुझे इतना डांटा। पापा बहुत गंदे हैं, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पापा काम कर रहे थे ना, और तुम वहाँ चली गई, इसलिए बोल दिया होगा, वरना तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन माया अपनी बेटी को समझा देती है। दो दिन बीत जाते हैं और आसना स्कूल से आती है। वो देखती है कि घर पर उसकी मम्मी नहीं है। तभी उसकी नज़र गौरव पर जाती है और वो डरते हुए पूछती है, मम्मी कहाँ है? मुझे क्या पता। आसना वहाँ से चली जाती है। उसे भूख लग रही थी, इसलिए वो किचन में जाती है, लेकिन वो देखती है कि किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है। वो फिर से गौरव के पास जाती है। पापा, मुझे भूख लग रही है। मैंने क्या हर चीज का ठेका ले रखा है? चुपचाप निकल जाए यहाँ से। आसना अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद माया आ जाती है और आसना उसे सारी बातें बताती है। माया गौरव के पास जाती है और बोलती है, आजकल देख रही हूँ आप आसना को बहुत डांट लगा रहे हैं, क्या हो गया है आपको? अरे तुमसे शादी करके तो मैं फंस गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अचानक आपको क्या हो गया? आप खुद मुझसे शादी करना चाहते थे, मैं आपके पास नहीं गई थी। वैसे भी ये बात आपको इतने सालों बाद समझ में आ रही है, पहले तो आपको मेरी बेटी से कोई परेशानी नहीं थी। एक तो मैं तुमसे शादी करके खुद को कोस रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो। अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी ही नहीं करता, मेरी मति मारी गई थी जो बिना मतलब के तुम्हारा और तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ले ली। ये सुनकर माया बहुत रोती है। दरवाजे पर खड़ी होकर आसना ये सारी बातें सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि गौरव उसके पापा नहीं है। वो रोते रोते अपने घर से जाती है। रोते रोते वो नदी किनारे बैठ जाती है। ये मेरे असली पापा नहीं है, तभी मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। आज उन्होंने मेरी मम्मी को भी बहुत सुनाया है, मेरी वजह से मेरी मम्मी को इतना कुछ सुनना पड़ा। हे भगवान, ऐसा कुछ कर दो कि मैं और मेरी मम्मी कभी उनके पास दोबारा न जाएं। तभी वो देखती है कि वहीं पास में नदी के किनारे एक सुंदर सा लहंगा गिरा हुआ है। आसना लहंगे के पास जाती है। ये कितना सुंदर लग रहा है, कौन इतने सुंदर लहंगे को यहाँ गिरा कर चला गया? तभी लहंगे में से आवाज आती है, ये लहंगा तुम्हारे लिए है, तुम रो रही थी और एक परी ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो तुम्हारे लिए ये लहंगा यहाँ छोड़ कर गई है। अच्छा, लेकिन परी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे के बाद परियां परिलोक नहीं जा सकती है,
इसलिए जल्दी में उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। तुम मुझसे जो मांगो तुम्हें मिलेगा। सच में जो भी मांगूंगी मिलेगा? हाँ सच में। आसना उसी वक्त लहंगे से एक घर मांगती है और लहंगा उसे एक बड़ा सा घर देता है। उस घर के अंदर पहले से ही जरूरत का सारा सामान मौजूद था। आसना माया के पास जाती है और उसे जादुई लहंगे के बारे में बताती है। सारी बातें बताने के बाद आसना माया को बोलती है, मम्मी यहाँ से चलो, अब हम अपने नए घर में रहेंगे। नहीं बेटा, यहाँ तुम्हारे पापा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं, ये मेरे पापा नहीं है, मुझे सारी बातें पता चल गई हैं। वैसे भी ये हम दोनों को बहुत समझते हैं, फिर हम इनके साथ क्यों रहें? आसना जिद करके माया को अपने साथ लेकर चली जाती है। उस दिन से दोनों माँ बेटी उस घर में रहने लगते हैं और उन्हें जो भी चाहिए होता था वो जादुई लहंगे से मांग लेते थे। इसी तरह एक साल बीत जाते हैं। तभी एक दिन दोनों को गौरव और उसकी माँ बुरी हालत में सड़क किनारे पर मिलते हैं। दोनों माँ बेटी उनके पास जाती है। ये क्या हो गया है आप दोनों को, ऐसी हालत कैसे हो गई? माया बेटी, मेरे बड़े बेटे बहू ने सारी जायदाद अपने नाम करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं और गौरव तुम्हारे घर में रहने लगे थे, लेकिन तभी गौरव को बिजनेस में बहुत लॉस होने लगा, जिसके बाद उसका काम भी पूरी तरह से डूब गया। मुझे लगता है हमने जो भी तुम्हारे साथ किया है ये उन्हीं कर्मों की सजा है। गौरव, माँ जी, आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलिए। नहीं मम्मी, हम इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर नहीं जाएंगे। बस अब नहीं बोलना, बहुत हो गई तुम्हारी जिद। माना गौरव हम दोनों को बहुत समझने लगे थे, लेकिन इन्होंने उस वक्त मेरी मदद की थी जब मेरे पास किसी का सहारा नहीं था। चाहे कोई कितना भी बोल ले, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ मेरे घर रहने आए। इन्हें दुनिया वालों की बातों से कोई मतलब नहीं था, अब इन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं इनकी मदद जरूर करूंगी। ये सुनकर गौरव और उसकी माँ की आंखें नम हो जाती हैं और गौरव को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। मुझे माफ कर दो माया, मेरी शादी तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की से हुई और मैं उसे समझ नहीं पाया। आशना भी बहुत अच्छी है, मैंने कभी इसे प्यार नहीं किया, इसलिए ये मेरे बारे में ऐसा सोचती है, लेकिन अब नहीं, अब मैं इसे एक पिता का प्यार दूंगा। उसके बाद सभी घर आ जाते हैं। इस तरह से सभी एक हो जाते हैं और एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इशिता अपने मामा मामी के साथ रहती थी। उसके मामा की भी एक बेटी थी जिसका नाम पूर्वी था। पूर्वी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और इशिता बिल्कुल उसके विपरीत। पूर्वी इशिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो आए दिन अपने मम्मी के कान भरती रहती थी। मम्मी, ये काली बिल्ली बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। जब भी इसको देखती हूँ ना, मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। मेरे लिए बहुत मनहूस है। एक तो आप लोगों ने इसका एडमिशन मेरे कॉलेज में ही करवा दिया है। मेरी सुंदरता देखो, अगर ये मेरे साथ कॉलेज जाएगी तो इतनी सुंदर होने के बाद भी लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मैं भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन तेरे पापा की वजह से मुझे तेरे कॉलेज में इसका एडमिशन करवाना पड़ा। मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि तेरे कॉलेज में इसका एडमिशन हो। तेरे पापा ने तो बिल्कुल तेरी जगह दे रखी है इसको। जो तेरे लिए करते हैं वो इसके लिए भी करते हैं। मेरा बस चले तो मैं इसे अभी के अभी धक्के मार के घर से निकाल दूँ। पापा इसे ज्यादा चढ़ा कर रखते हैं, लेकिन आप इसे चढ़ा कर मत रखना। घर के सारे काम करवाना, इसको काम में इतना बिजी कर देना कि ये मेरे साथ कॉलेज जा ही ना पाए। इससे मेरी इंसल्ट नहीं होगी। ये सही कहा तूने, मैं अभी जाकर उसको सारे काम के बारे में बता देती हूँ। इतना बोलकर रीना इशिता के कमरे में जाती है और बोलती है, क्या किताब लेकर बैठी है? बर्तन पड़े हुए हैं, जाकर धो ले। अब से पूरे घर की सफाई भी तुझे ही करनी है। मामी, आपने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी और मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाया। आपका इतना एहसान है मेरे ऊपर। मुझे घर की सफाई करने में कोई परेशानी नहीं है, मैं हर रोज सारी सफाई कर दूंगी। इशिता अपनी किताब रख देती है और घर की सफाई करने चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। हर रोज रीना काम के बहाने इशिता को घर पर ही रोक लेती थी, जिसकी वजह से कई दिनों से इशिता कॉलेज नहीं जा पा रही थी। ये देखकर पूर्वी बहुत खुश होती है। एक दिन रीना बोलती है, इशिता, मैं और पूर्वी पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए पूर्वी का गाउन निकाल दे और इसका अच्छे से मेकअप कर दियो। मैं भी आप दोनों के साथ चलूं? मेरा भी बहुत मन कर रहा है।
तुझे अपने साथ हम अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ले जाएं? पार्टी में इतने रईस लोग आएंगे और उनके सामने हम इस कार्टून को लेकर जाएंगे। तू आईना देखना भूल जाती है क्या? आईना देखा कर तुझे तेरी असलियत हर रोज पता चलती रहेगी। तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी मालिक के साथ पार्टी में नहीं जाती है। तुझे मैंने इस घर में काम करने के लिए रखा है। आज के बाद कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम तुझे अपने साथ कहीं लेकर जाएंगे। ये सुनकर इशिता उदास हो जाती है, लेकिन वो रीना को कुछ नहीं कहती है। उसके बाद इशिता पूर्वी का मेकअप करने लगती है। मेकअप हो जाने के बाद पूर्वी बोलती है, मैं जब पार्टी में चली जाऊंगी तो मेरे पीछे से मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने अपनी लिपस्टिक रखी है, इसे तो बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ब्रांडेड है। मैं तुम्हारे कमरे में सिर्फ सफाई करने आती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे मेकअप के किसी सामान को हाथ नहीं लगाया है, फिर अब क्यों लगाऊंगी? इतना बोलकर इशिता रीना के पास जाती है और बोलती है, मामी आप दोनों पार्टी में जा रहे हो इसलिए आपने मुझे खाना बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं क्या खाऊंगी? सुबह की दो रोटी पड़ी है, नमक तेल के साथ खा ले। अलग से तेरे लिए खाना बनाना मैंने जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी पार्टी में चले जाते हैं। इशिता उदास होकर दो रोटी नमक तेल के साथ खा लेती है। अगले दिन इशिता दुकान से चीनी लेने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। बेटी मैं अपनी पोती के साथ रहती हूँ, हमारा एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने और मेरी पोती ने दो दिन से कुछ नहीं खाया है, हमें बहुत भूख लग रही है। इशिता को अम्मा पर बहुत तरस आता है और वो चीनी खरीदने वाले पैसे से अम्मा को खाना खरीद कर दे देती है। अम्मा इशिता को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। इशिता बिना चीनी लिए घर जाती है। चीनी कहाँ है? चीनी लाने भेजा था ना तुझे? मामी रास्ते में मुझे एक बेसहारा बूढ़ी अम्मा मिली, उन्होंने और उनकी पोती ने दो दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने चीनी के पैसों से उन्हें खाना खरीद कर दे दिया। क्या? चीनी के पैसे तो लुटा कर आई है? तेरे बाप ने पैसे कमाए था या तेरी माँ ने? उन्हें तो पहले ही खा गई है। मामी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं तो अच्छा काम करके आई हूँ ना। इतना ही अच्छाई करने का शौक है ना, तो खुद कमा कर कर। तूने मेरा नुकसान करवाया है इसलिए तुझे दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। नहीं मामी मुझे भूख लग रही है, मैंने इतना सारा काम तो किया है ना। ये सब मैं नहीं जानती, तुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैंने तुझे अभी छोड़ दिया तो बाद में इससे भी ज्यादा लुटा कर आएगी। इशिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माँ पहले पापा गए और उसके बाद आप मुझे छोड़कर क्यों गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। आपसे मैं जो मांगती थी वो आप मुझे देती थी, और यहाँ मुझे खाना भी नहीं सही से मिल रहा है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती, यहाँ भी तो घुट घुट के मर रही हूँ। यहाँ तो कोई मुझे इशिता बोलता ही नहीं है, उन्होंने तो मेरा नाम ही काली बिल्ली रख दिया है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी अचानक इशिता के सामने एक लिपस्टिक प्रकट हो जाती है। लिपस्टिक? लिपस्टिक कहाँ से आई? मैं तो कभी लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तभी एक आवाज आती है, इशिता। अरे ये तो माँ की आवाज है। हाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ और लिपस्टिक मैंने ही तुम्हें दिया है। तुम लिपस्टिक लगा लो, उसके बाद इसका कमाल देखना। माँ मुझे आपसे और बात करनी है। इशिता के इस बात का कोई जवाब नहीं आता है, तो इशिता समझ जाती है कि माँ चली गई है। माँ के जाने के बाद इशिता लिपस्टिक लगाती है और लिपस्टिक लगाते ही वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। इशिता खुद को आईने में देखती है और अपना नया रूप देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ की जादुई लिपस्टिक लगाकर तो मैं बहुत खूबसूरत हो गई। अब मुझे कोई काली बिल्ली नहीं कहेगा। माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई है लेकिन फिर भी मेरा ध्यान रखती है। उसी वक्त रीना और पूर्वी इशिता के कमरे में आती है और इशिता को देखकर दोनों हैरान रह जाती है। अभी थोड़ी देर पहले तो काली बिल्ली जैसी लग रही थी, अचानक इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? मुझे सच बता। हाँ मम्मी अचानक ऐसा क्या हुआ जो इसका रूप इतना बदल गया? ये तो मेरे से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। मम्मी कुछ भी करो लेकिन ये मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं लगनी चाहिए। रीना इशिता के हाथ मोड़ देती है और बोलती है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ, ऐसा क्या हुआ है जो तो खूबसूरत हो गई? रीना इशिता को बहुत मारती है लेकिन इशिता फिर भी जादुई लिपस्टिक के बारे में नहीं बताती है।
टीना मारते मारते थक जाती है। उसके बाद इशिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रीना पूर्वी से कहती है, देखा मैंने इसकी इतनी पिटाई की लेकिन फिर भी इसने नहीं बताया, जब ये सो जाएगी तब इसके कमरे में जाकर देखेंगे। रात को इशिता सो जाती है। उसके बाद रीना उसके कमरे में जाती है। रीना को लिपस्टिक नजर आती है। इसके कमरे में लिपस्टिक कहाँ से आई, ये तो लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करती थी। पूर्वी की लिपस्टिक तो लग नहीं रही है, लगता है इस लिपस्टिक में ही कुछ राज है। रीना लिपस्टिक को लेकर पूर्वी के पास जाती है। पूर्वी, ये लिपस्टिक मुझे इशिता के कमरे से मिली है, मुझे तो लगता है इसी का कमाल है सब कुछ, इसलिए तो इसे लगा ले। पूर्वी लिपस्टिक लगा लेती है। लिपस्टिक पूर्वी पर उल्टा असर करती है और वो काली हो जाती है। ये देखकर रीना रोने लगती है। ये क्या हो गया, अब तो पहले वाली इशिता जैसी हो गई है। रीना के रोने की आवाज़ सुनकर इशिता बाहर आ जाती है। पूर्वी को देखकर इशिता समझ जाती है कि ये सब कुछ उसकी माँ की दी हुई लिपस्टिक की वजह से हुआ है। मामी, आप मेरे कमरे से लिपस्टिक लेकर आई हो ना, ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं थी जो आपने पूर्वी को लगाने के लिए दे दिया। मैं अच्छे से जानती थी कि पूर्वी पर ये लिपस्टिक उल्टा असर करेगी, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रही थी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी को अपने किए पर पछतावा होता है और दोनों इशिता से माफ़ी मांगने लगती है। उसके बाद इशिता लिपस्टिक से बोलती है, जादुई लिपस्टिक मेरी बहन को पहले की तरह कर दो, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है और मैं इनको परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। अगले ही पल पूर्वी पहले की तरह हो जाती है। उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है। रीना पूर्वी इशिता को एक जैसा प्यार करती थी और पूर्वी भी अपना सारा वक्त इशिता के साथ बिताती थी। इस तरह इशिता अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।